अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं डॉक्टर अब्दुल अली खान। हमारे हॉस्पिटल में हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी। हमारे पास 24 आवर्स के लिए कार्डियक एम्बुलेंस है, जिसमें नया टेक्नोलॉजी के साथ मशीन सब उसमें लगी हुई है। मुमरा से लेकर डुम्बेवली तक के लोग हमारे हॉस्पिटल से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारे पास अच्छे अच्छे रूम हैं, डिलक्स रूम है, स्वीट्स रूम है, हर तरह की फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में माशाल्लाह मौजूद है। भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। क्या अखंड हिंदू राष्ट्र की शुरुआत महाराष्ट्र के भिवंडी शहर से होगी? बागेश्वर धाम दरबार बहुत जल्द ही भिवंडी में बनने वाला है, जहां पर बागेश्वर महाराज समय समय पर आकर कथा कहेंगे। कल भिवंडी के अंजुर दीवा के पास में इंडियन कॉरपोरेशन में उनके हाथों से भूमि पूजन किया गया है। भूमि पूजन में सांसद और गायक मनोज तिवारी, मीरा रोड की विधायिका गीता जैन और रवि राणा मौजूद थे। यहाँ पर बागेश्वर धाम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अखंड भारत बन चुका है, अब मजबूत भारत का निर्माण हो रहा है। क्या कहा है बागेश्वर महाराज ने? हिंदुस्तान अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या मलेशिया या ब्रिटेन बनेगा क्या? साथ ही मनोज तिवारी ने भी क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। बागेश्वर महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है और मनोज तिवारी ने भी क्या कुछ जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। देखो, हम तो अपने ईश्वर से प्रार्थना करना जानते हैं। हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा तो क्या मलेशिया और क्या वेस्ट इंडीज होगा? बिल्कुल भी नहीं। देखो, ये बहुत ही गलत बात आप लोग फैला रहे हो, या जो भी फैला रहे हैं गलत भाव है। हमने माया नगरी को माधव नगरी कहा। मुंबई तो माँ भगवती के नाम पर है, इससे किसको दिक्कत है? माया नगरी का मतलब है यहाँ जो चमकती दमकती दुनिया में लोग फंसे हैं, अब वो भगवान के प्रेम में भी डूबे। और यह जो यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ निवासी हैं, जो केवल माया के पीछे दौड़ रहे हैं, वो माधव के पीछे भी दौड़े, इसलिए इस माया नगरी को माधव नगरी कहा। एक बच्चे को राम के नाम पे देना क्या जरूरत है? अच्छा, हमने ऐसा कहा है तो क्या गलत कहा है? हमने ये कहा सनातन में अगर एक बालक जो है राम के लिए दे देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो ये हर घर जो है संस्कार और संस्कृति का प्रचार होगा। हम किसी भी राजनेता पर या राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं करते। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। रावण को तो भगवान राम भी जो है वनवासी दिखाई पड़ते थे, तो किसी को अगर हम जो है जादू टोना वाले दिखाई पड़ते, उनकी नजर है, हम तो हनुमान जी के सेवक हैं और रहेंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल होगा। हमने ये कहा महाराष्ट्र से ही हिंदू राष्ट्र का सपना पूर्ण होगा, क्योंकि महाराष्ट्र वीर शिवाजी का राष्ट्र है, जय भवानी का राष्ट्र है। जब उनका सपना पूर्ण हुआ और मुगलों को जो है नाकों चने चबाने पड़े, तो क्या हमको ये लाभ नहीं मिलेगा? मुंबा देवी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा? भारत देश में राम की चर्चा, हनुमान जी का प्रचार अथवा फिर सनातन का प्रचार अगर रुकने लगेगा,
तो फिर सनातन का प्रचार या सनातन की बात किस देश में जाकर करें, हमें ये जवाब दें। महाराज शिवाजी ने कहा था हिंदी स्वराज की बात की थी। किसने? इसका जवाब हो गया है, और हमने मुंबई नाम नहीं लिया। हाँ देखो, माया नगरी और माधव नगरी हमारा वैचारिक बात है। माया नगरी वैचारिक परत जो माया की बुद्धि पर पड़ गई, उसे माधव के विचारों से भरना है। बिल्कुल बात आप सही समझ गए। देखो भाई, जहाँ बीज डला होता है वही पौधा उगता है। तुम्हारी जय हो गए बिटिया, तुम बुंदेली बोल रही। हाँ तो हम जो है इतने तक मंदिर तो हमारी कोई कल्पना नहीं है, वो तो हमारे त्रिपाठी जी की पूरे परिवार की बहुत इच्छा हती। सोई जो है ते पे विचार है कि जब लोग कह ही रहे हैं तो फिर यहाँ पर बैठ करके एक दो महीने में आते रहेंगे। हमारी कल्पना मंदिर निर्माण की नहीं है, हमारी कल्पना राष्ट्र के उत्थान की है। बोलो बालाजी सरकार की, बोलो बागेश्वर धाम की। आपने जो यहाँ पर प्रवचन करने के लिए पिछली बार आया थे, हिंदू राष्ट्र की घोषणा यही से की गई थी। हाँ। आज पूरे विश्व में जग रहा है और इसीलिए यही मंदिर बनवा रहे। महाराज जी एक सवाल ये है कि आप लगातार दो दिन के जो दिव्य दरबार में आपने दो तीन बार ये कहा कि हम महाराष्ट्र में जो जो लोग हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं उनके छाती पर, केवल महाराष्ट्र में नहीं भारत में जो जो सनातन के विरोध में हैं, धर्म के विरोध में हैं, संतों के विरोध में हैं, भारतीय संस्कृति के विरोध में हैं, हम उनकी छाती पर सनातन का झंडा गाड़ेंगे। अब इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत है? आप विरोधियों का अब अपोजिशन, भाई राम जी से रावण को दिक्कत थी, अब हम क्या कर ले, किसी को खोज ली है तो मरहम लगवाओ, तुम पहुँचाओ। बहुत धन्यवाद, हम तो ऐसे मजाक कर रहे हैं। मनोज तिवारी जी, हिंदुस्तान में दूसरा बागेश्वर धाम भिवंडी में बनने जा रहा है, एक हिंदुत्व की जो मुद्दा लेके आज मोदी जी आगे बढ़े हैं, क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? ये बड़ी खुशी की बात है और बालाजी की शक्ति है, ये हनुमान जी की शक्ति है। और बागेश्वर बालाजी का धाम एक भिवंडी में होगा, मेरे लिए तो सोचिए कितनी खुशी की बात है। सैकड़ों फिल्में यहाँ से हम लोगों की सुपरहिट हुई और अब ये भक्ति का एक, वैसे तो महाराष्ट्र की धरती ही भक्ति की है, मगर बागेश्वर धाम का बनना, ये रुद्र को, जो रुद्र त्रिपाठी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरु जी ने स्वीकार किया इसमें बहुत। जय सत श्री अकाल। सनातन धर्म की जो शुरुआत है, पूरा हिंदुस्तान अखंड भारत अब देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आ रहा है। आपने भी कहा है, कपिल जी ने भी कहा, बागेश्वर महाराज हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। देखिए, सत्य सनातन की चारों तरफ शोर है और इसमें बहुत सुंदर बातें हैं, ये हमारे देश का जो पुण्य है फलित हो रहा है। 1600 वर्षों की जो हुई शंकाएं थे, आज खंड खंड में बढ़ गया, अब मोदी जी के नेतृत्व में अखंड भारत होने जा रहा है। अखंड भारत हो चुका है, अब मजबूत भारत होगा।